gate. We will get you out of here. I heard what you said. Okay, everybody say cornfield. Ready? 1, 2, 3. Cornfield! हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉलैंड। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक स्लैशर हॉरर मूवी लेकर आया हूँ। मूवी में हम देखेंगे कि हंटर नाम का एक लड़का अपने दोस्तों को अपनी फैमिली फार्म में एक सीक्रेट बताने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ में जो होता है वो उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो क्या है वो सीक्रेट, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ा लैंड एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बड़े से फार्म हाउस को नोटिस करते हैं। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी अपने डॉग, जिसका नाम कंट्री था, उसे वॉक करवा रही थी। तभी उस लेडी का डॉग अचानक से उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है, जिसको ढूंढने के लिए वो लेडी भी उस फार्म हाउस के अंदर जाती है। अपने डॉग को ढूंढती हुई वो लेडी एक अंदरी जगह में जाने की कोशिश करती है, जहाँ से उसको डॉग की आवाज़ आ रही थी। और जब वो उस अंधेरी जगह में जाने की कोशिश करती है, तभी हम देखते हैं कि उस लेडी पर किसी ने बहुत सारी नुकीली वायर से उसके फेस पर हमला किया है। और वहीं उस लेडी की एक भयानक सी चीख के साथ में ये सीन यह प्रकट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 फ्रेंड्स दिखाई देते हैं, जिनके नाम थे हंटर, गॉर्डन, मैक्स, रॉकी, क्लेयर, जेनिल, लाइनेक्स और फॉब। और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वे लोग हंटर के कहने पर उसके पेरेंट्स के घर जा रहे हैं। और यहीं हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हंटर एक गे है, जो कि इस बात को लेकर टेंशन में था कि उसके फादर ने उसे आज तक अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर हम लोग उन सभी फ्रेंड्स को हंटर के घर पे उसके पेरेंट्स के सामने देखते हैं, जहाँ पर हंटर अपने सभी फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। और हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि हंटर के फादर ने उसे आज भी एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर हंटर की मॉम जेनी को बुला देती है, जो कि हंटर की सिस्टर थी। और फिर सभी लोग अपना सामान लेकर अंदर जाते हैं। वे लोग उस जगह पर शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें और भी लोग आए हुए थे। अब सेकंड फ्लोर पर होने के कारण उस लाउड म्यूजिक साउंड की वजह से नीचे के लोगों की आवाज़ें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। और तभी हम लोग हंटर की सिस्टर जेनी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर डरी हुई थी। और तभी उसके फादर वहाँ पर आकर उसका डर दूर करने के लिए उसके रूम को चेक करने लगते हैं। और जब वो उसके बेड को नीचे से चेक करने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे छुपा हुआ किलर उसको बेरहमी से मार डालता है। अपने फादर को मरा हुआ देखकर जेनी जोर से चिल्लाती है। और जेनी की आवाज़ सुन के उसकी मॉम चेक करने के लिए जाती है, और देखते देखते वो बेसमेंट में आ गई थी, जहाँ पर वो किलर वहाँ की लाइट ख़राब कर देता है, जिसके बाद में वो टॉर्च की हेल्प से आगे बढ़ती है और उनके पैरों के नीचे उन्हें खून दिखाई देता है। तो वो डर के वहाँ से भागती है, लेकिन किलर उनको पकड़कर मार डालता है। और यहाँ पर हम किलर को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और तभी सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि लाइनेक्स आके मैक्स को सेड्यूस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब हम लोग क्लेयर और गॉर्डन को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों को एक साथ देख कर मैक्स, जो कि क्लेयर का बॉयफ्रेंड था, गॉर्डन पर भड़क जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट भी हो जाती है। और इसी दौरान क्लेयर लाइनेक्स को मैक्स की जैकेट पहने देखकर डाउट करती है। और मैक्स यहाँ पर क्लेयर से झूठ बोलता है कि लाइनेक्स और उसका कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, जिसके कारण गुस्से में आकर क्लेयर लाइनेक्स को एक पंच मारती है। और इसी लड़ाई की वजह से ये पार्टी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हम लोग रॉकी और जेनेल को देखते हैं, जो कि बस में बैठ कर बातें कर रहे थे, जहाँ पर जेनेल रॉकी को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके बाद में रॉकी बहुत खुश होता है और वे दोनों बाहर घूमने जाते हैं। और तभी किलर उनकी बस में आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, और दोनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागते हैं। रॉकी लाइनेक्स को दूसरे डायरेक्शन में भेजकर खुद किलर से लड़ने के लिए जाता है, और किलर को देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस किलर के नज़दीक आने का इंतज़ार करने लगता है। किलर को अपने नज़दीक समझ के वो अपने चाकू से उस पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर किलर नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड लाइनेक्स थी, जिसे वो अपने हाथों से मार डालता है। अब इससे पहले रॉकी कुछ समझ पाता, किलर पीछे से आकर उसे भी मार डालता है। फिर हम लोग क्लेयर को देखते हैं, जो कि पार्टी में हुई लड़ाई की वजह से अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। और तभी उसे अपने पास किसी और के होने का एहसास होता है। जब वो चेक करने जाती है तो वो एक रूम में खून देखकर डर जाती है और हंटर को आवाज़ लगाती है। हंटर वहाँ पर आकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि उसे किलर ने और भी बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वो उन सबकी लाशों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है।
यहाँ पर हमें किलर का पागलपन भी देखने को मिलता है। वो किलर लाशों के पास जाकर उन्हें सूंघ रहा था। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि किलर ने हंटर की बहन को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। जेनी उस किलर से बात करने की कोशिश करती है और हमें पता चलता है कि वो किलर जेनी के साथ में इमोशनली अटैच हो गया है और वो उन दोनों की बातचीत के दौरान वहाँ पर हंटर आ जाता है। वो किलर हंटर को सूंघ लेता है और उसके पीछे उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन किसी तरह हंटर उससे बच के जेनी के पास में आकर उसे आज़ाद करने लगता है। तभी वो एक टेबल पर अपने पिता की डेड बॉडी को देखता है और उनके पास रोने लगता है और फिर अचानक से उसके डैड को होश आता है और उसके डैड हंटर से उसे मार देने के लिए कह देता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे और ना चाहते हुए भी हंटर अपने पिता को मार डालता है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और हंटर और किलर के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें किलर हंटर को बेहोश करके एक गड्ढे में डाल देता है और वहीं पर हंटर के बाकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। किलर उन सभी को देख लेता है और लाइनेक्स को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है। तभी उसे बचाने के लिए हंटर किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपने पीछे लगा लेता है, लेकिन वो लोग लाइनेक्स को नहीं बचा पाते हैं और वो किलर लाइनेक्स को बहुत ब्रूटली सेक्सुअली हरास करके मार डालता है। फिर वो किलर बाकी बचे हुए लोगों के पीछे पड़ जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। किलर को अपने सामने देखकर मैक्स हंटर से क्लेयर को यहाँ से बचा के जाने के लिए कह देता है और खुद किलर के हाथों मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि बस क्लेयर और हंटर बचे हुए हैं, जो कि अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी के घर में जाते हैं और उससे पुलिस को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो आदमी उन दोनों को अंदर बुलाता है और पुलिस को कॉल करने जाता है। उस आदमी की बातों से क्लेयर और हंटर को उस पर डाउट होता है और तभी एक रूम से एक लेडी बाहर आती है, जो कि उन दोनों को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है और उसे पीने के बाद में दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर किलर आता है और यहाँ पर हमें इस मूवी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता लगता है कि वो किलर उस लेडी और उस आदमी का ही बेटा है, जिसे उन दोनों ने ब्रूटली टॉर्चर करके साइको किलर बना दिया था। जब क्लेयर और हंटर को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर पड़ा हुआ पाते हैं और उस टेबल पर बहुत सारे खतरनाक टूल्स रखे हुए थे, जिनसे वो लेडी और वो आदमी उन लोगों को बहुत टॉर्चर करता है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि किलर एक साइड में चेन से बंधा हुआ है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत डर रहा है। फिर वो लेडी हंटर के पास जाकर उसके सर पर अपना यूरिन डाल देती है और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी करती है। और जब वो आदमी हंटर को शूट करने वाला था, तभी वहाँ पर हंटर की बहन जेनी आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है। मौका देखकर हंटर उस आदमी को पूरा मार डालता है। तभी वो लेडी क्लेयर को चाकू से पकड़ लेती है और उन्हें डराने लगती है। फिर वो किलर पीछे से आकर उस लेडी की गर्दन पर बाइट करके उसे मार डालता है और मौके का फायदा उठाकर जेनी, क्लेयर और हंटर वहां से भाग जाते हैं। किलर उनके पीछे जाता है, लेकिन जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि जेनी और किलर के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट था, तो जेनी किलर को अच्छे से ट्रीट करके उसका ध्यान भटकाती है और तभी क्लेयर और मैक्स उसके गले में एक मोटी जंजीर फंसा देते हैं और उसे मारने के लिए पेड़ पर टांग देते हैं। सीन फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि वो किलर मरता नहीं है और उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। तभी जेनी उसको रोक देती है और हमें ये पता लगता है कि वो किलर अब जेनी की सारी बातें मानने लगा है और जेनी उस किलर से अपनी बातें बनवा कर सभी को बचा लेगी। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हंटर एक गे था और इसी वजह से उसके पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपने पेरेंट्स से दूर रहा करता था और वो अपने दोस्तों को अपने पेरेंट्स से मिलाने लाता है ताकि वो अपनी असलियत उन्हें बता दें। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है उस किलर की, जिससे उसके पेरेंट्स ने बहुत टॉर्चर किया था और उसे टॉर्चर करके ही बड़ा किया गया था, जिस कारण वो एक खूंखार किलर बन गया और वो लोगों को मारने भी लगा। लेकिन मूवी के एंड में ऐसा हुआ कि जेनी और किलर के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, जिससे कि किलर अब जेनी की बातें मानने लगा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आई होप दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।